हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जस्ट मैडम से चेक कर लेता हूँ कि हम लोग लाइव हो चुके हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? मैडम क्या कहते हो? चलो, थैंक यू मैडम, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए गाइज, फिर आ जाते हैं मैं और आप करने आज लेक्चर नंबर 2 फॉर रेशियो एनालिसिस। रिवाइज करेंगे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और इसको आगे भी लेके जाएंगे। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए भी तैयार हो जाता हूँ। क्या कहते हो? कमेंट्स 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 कमेंट्स, है ना? चलो, गौरव गुड आफ्टरनून, दीक्षा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। सो गाइज, वेलकम टू रेशियो एनालिसिस लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। सो गाइज, एक छोटा सा रिविजन, और रिविजन के पहले गाइज मैं आपको देना चाहता हूँ, चलो, कीर्ति गुड आफ्टरनून, अदिति श्रीवास्तवा गुड आफ्टरनून, अदिति, कीर्ति गुड आफ्टरनून, गौरव गुड आफ्टरनून एंड दीक्षा गुड आफ्टरनून। चलो, सो गाइज, द इंफॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू ऑल ऑफ यू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, एक 7-day फ्री ट्रायल चल रहा है अन अकेडमी पे CA एग्जाम्स के प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। दिस ऑफर इज़ वैलिड फ्रॉम June 20 टू June 24। मैं तो क्या कहता हूँ, मेरे सारे CA इंटर के लोग हैं ना जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो एग्ज़ाम दे चुके हैं CA इंटर की, दे शुड ट्राई दिस CA फाइनल का सब्सक्रिप्शन। एक बार फ्री सब्सक्रिप्शन कर लो और एक बार CA फाइनल ट्राई करो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट मैन, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ इन माई कोड RM10। जिसने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है गाइज, दे शुड गो फॉर इंटर का ट्रायल। व्हाट्स इट, ये ट्रायल बेनिफिशियल ही होगा हमारे लिए। दिस इज गोइंग टू बी ह्यूजली 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 बेनिफिशियल। सो गो हेड विद दिस गाइस, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है? चलो गाइस, एक और बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, वो ये है कि गाइस, द आशीर्वाद बैच इज नाउ कमिंग इन G1 ऑल्सो। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, द शो कॉल्ड आशीर्वाद बैच इज नाउ कमिंग इन G1 ऑल्सो। हे रिचा, गुड इवनिंग। रशीदा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। लक्ष्मी गुड इवनिंग गाइज। आशीर्वाद बैच G2 में रॉक तो कर ही रहा है, अब हम एक आशीर्वाद बैच लॉन्च कर रहे हैं G1 में, एंड गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट एज अर्ली एज July 13। मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, आपके सब भी जूनियर्स हो, उनको बोलो कि ये बैच को एनरोल करें। क्या होने वाला है गाइज? अकाउंट्स मैं लूँगा, दैट इज़ राहुल मलकान सर। गाइज अमित पॉपली सर लॉ लेंगे, सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग लेंगे, और अरविंद तुली सर टैक्स लेंगे। सो दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 13th of July विथ राहुल मलकान सर टेकिंग अकाउंट्स, अमित पॉपली सर टेकिंग कॉस्टिंग, सचिन गुप्ता सर, अमित पॉपली सर टेकिंग लॉ, सचिन गुप्ता सर टेकिंग कॉस्टिंग एंड अरविंद तुली सर टेकिंग टैक्स। पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी फेज 1-2 वीक चलाएंगे। So everybody is going to take lecture once in a week or twice in a week, and guys lectures होंगे आपके रोज़ सुबह 10 से 11। So 10 से 11 या तो आप मुझसे मिलोगे, या तो आप पॉपली सर से मिलोगे, या तो आप सचिन सर से मिलोगे, या तो आप तुली सर से मिलोगे। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन, पक्का? टू गुड। चलिए आगे बढ़े, एक बार तुम लोग जकास बोल दो एंड देन आई स्टार्ट विद समथिंग विच इज नोन एज फाइनेंशियल एनालिसिस प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। आर यू रेडी टू रॉक एंड रोल? टेल मी येस और नो। I want jackass from you everyone and then you can tell me yes. Guys, last lecture में जब हमने रेशियो स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको वर्टिकल फॉर्मेट सिखा दिए थे। आई टॉट यू वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड आई ऑल्सो टॉट यू वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन चुका है, रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट बन चुका है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट guys, balance sheet is divided into 2 parts. The first one is known as sources of fund, the second one is known as application of funds. सोर्सेज मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है। गिव मी 2 पार्ट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, टेल मी द 2 पार्ट्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स आर नोन एज ओनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर्स फंड्स, नेटवर्थ, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी। डू यू ऑल रिमेंबर दैट गाइज? शेयर होल्डर्स फंड्स, प्रोप्राइटर्स फंड्स, ओनर्स फंड्स, नेटवर्थ एंड इक्विटी। मैंने उस दिन भी कहा था वर्ड इक्विटी को याद रखो। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स, इक्विटी का मतलब होता है प्रोप्राइटर्स फंड्स, इक्विटी का मतलब सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं होता है। And how do we calculate proprietor's funds? Proprietor's funds calculate करता है share capital, that is equity share capital plus preference share capital plus reserves minus losses. Do you remember this, guys? Next one, second part of sources of funds is borrowed funds. So shareholders funds plus borrowed funds. Borrowed funds में क्या आएगा? Sir, bank loan आएगा, debentures आएगा, public deposits आएगा, so they are borrowed funds. So proprietor's fund plus borrowed funds is total capital employed. Second part of the balance sheet is known as application of funds. पैसे कहाँ लगाएंगे, एप्लीकेशन कहाँ लगाएंगे पैसे. सो गाइस, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में वी आर गोइंग टू हैव थ्री पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, द सेकंड पार्ट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट्स एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. सो फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस वर्किंग कैपिटल. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. टेल मी, आर वी वेरी क्लियर विद दैट वन? टू गुड. फिर एक क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन नंबर 1 बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में कंप्लीट किया था, बैलेंस शीट को टैली भी किया था. एंड देन वी वेंट टू रेवेन्यू स्टेटमेंट. रेवेन्यू स्टेटमेंट आपके सामने है. गाइस, कहाँ से चालू करते रेवेन्यू स्टेटमेंट? वी स्टार्ट रेवेन्यू स्टेटमेंट विद सेल्स. सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट. एड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. लेस इंटरेस्ट, सो वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट. Add non-operating income less non-operating expenses, we get net profit before tax. Less tax कर देना, we get net profit after tax. तो यहाँ पे आइडिया ये था कि सेल्स में से COGS माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. फिर इनकम और एक्सपेंस को ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में क्लासीफाई करेंगे. ऑपरेटिंग मीन्स वंस विच आर कनेक्टेड विद बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग मीन्स रेगुलरली नहीं होते, पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस नहीं होते. टेल मी चकास. गाइस, कोई भी डाउट्स अगर आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में देते रहना या आप मुझे सेंड करते रहना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा. ठीक है गाइस, ये बैच एकदम रॉकिंग होने वाला है. इस बैच के साथ साथ हम एक टेस्ट सीरीज भी इंट्रोड्यूस करने का प्लानिंग कर रहे हैं, बट लेट अस गो थ्रू इट फर्स्ट. ठीक है. सो गाइस, देन आई वेंट टू रेशियो एनालिसिस एंड आई सेड कि रेशियोज को कितने पार्ट में क्लासीफाई करना है. रेशियोज को 4 पार्ट में क्लासीफाई करना है. The first one is known as liquidity ratio, they are also known as short-term solvency ratio. The second one is known as leverage ratio, they are also known as long-term solvency ratio. So short-term solvency ratio, long-term solvency ratio. Third one are known as activity ratios, efficiency ratios or performance ratios or turnover ratios. So मैं एक नाम देता हूँ, activity ratios याद रखेंगे. And last one are known as profitability ratios. तो ratios को कितने part में classify किया हम लोग ने? Ratio को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया. विच आर द 4 पार्ट्स और 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ रेशियो? सर, पहला शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सेकंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, थर्ड एक्टिविटी रेशियोज, द लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. याद रखोगे आप. चलो 1 2 3 4. व्हाट इज 1? लिक्विडिटी रेशियोज, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज. लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, दे आर ऑल्सो नोन एज लेवरेज रेशियो. Activity ratio, efficiency ratio, performance ratio, turnover ratio, and the last one is known as profitability ratios. Clear? Too good. चलो, आज का टारगेट है ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, एटलीस्ट इतना तो आज हो ही जाना चाहिए. हम लिक्विडिटी रेशियो सॉल्व करेंगे. और कितने लिक्विडिटी रेशियोज है हमारे पास? गाइस 6 लिक्विडिटी रेशियोज है. लिक्विडिटी रेशियोज का मतलब क्या है? कंपनी का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करना है. ये रेशियोज है ना गाइस, एक एक फॉर एग्जाम्पल पूरा बॉडी है. अब पूरा बॉडी टेस्ट करने के लिए एक एक पार्ट टेस्ट करना पड़ेगा. तो पहले भाई डॉक्टर हार्ट टेस्ट कर रहा है, फिर डॉक्टर पैर टेस्ट कर रहा है, फिर डॉक्टर फेस टेस्ट कर रहा है. सो दिस इज व्हाट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज रेशियोज. सो वी आर गोइंग टू टेस्ट द पार्ट्स. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टेस्ट इज लिक्विडिटी, कंपनी का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. अगर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी लॉस कर रहा है उसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत बुरा है. गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी, पोजीशन, एक एक चीज़ पे हम एनालिसिस करेंगे. सो व्हाट आर वी डूइंग? इट्स लाइक पूरा बॉडी फिट एंड फाइन है पर दांत दुख रहा है, तो पूरे बॉडी को तकलीफ होगी ना भाई. हाँ, ऑफकोर्स. गाइस, हाथ थोड़ा सा कट गया, हाथ दुख रहा है, सुबह से इरिटेशन हो रही है उस पर. सुबह को आज एप्पल काट रहा था ना, तो वो चाकू से एप्पल काट रहा था, थोड़ा सा एप्पल काट दिया तो हाथ भी कट गया साथ में ना. सुबह से इरिटेशन हो रही, ध्यान उधर ही है पूरा. सो वी नीड टू चेक एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, वी नीड टू चेक एवरी पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी नीड टू चेक एवरी पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. दैट इज हाउ वी नीड टू लुक एट द रेशियोज. सो सबसे पहले रेशियोज आएंगे. लिक्विडिटी रेशियो, कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजिशन देखेंगे. सर, ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या होती है? बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन, कैश पोजीशन, दैट इज बेसिकली रिफर्ड टू एज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। जकास है। कितने रेशियोज लर्न करने आज हमें? 6 रेशियोज लर्न करने। 6 में से एक तो रेशियो नहीं है, वो अमाउंट निकालना है, बट अदरवाइज वी से 6 रेशियो निकालना है। Now what are the 6 ratios we are going to calculate? First one, current ratio. Second one, quick ratio. It is also known as asset test ratio. Third one is cash ratio. It is also known as absolute liquidity ratio. Fourth one is known as basic defense interval ratio. Fifth one is known as net working capital, and last one is known as stock to working capital ratio. कितने ratios learn करने हैं सर? 6 ratios learn करने हैं। मैं कहाँ से start करूँगा? मैं start करूँगा A1 से। टेल मी, आपका राइटिंग पैड रेडी है कि नहीं? नोटबुक रेडी है? A1 इज रिफर्ड टू एज करंट रेशियो। A1 इज रिफर्ड टू एज करंट रेशियो। गाइस, करंट रेशियो का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला? बहुत सिंपल फॉर्मूला है करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। तो गाइस, वर्किंग कैपिटल है ना हमारे बैलेंस शीट का पार्ट। अब बैलेंस शीट असेट्स और लायबिलिटी याद नहीं रखना, बैलेंस शीट याद रखना सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन के अंदर डू वी हैव समथिंग व्हिच इज वर्किंग कैपिटल? So we have something which is current assets and we have got something which is known as current liability. So current assets upon current liability is current ratio. जकास है। गाइस, आंसर जो आएगा ना विल बी ऑलवेज इज टू वन। ये प्योर फॉर्म में लिखना है, प्योर फॉर्म में इज टू वन के फॉर्मेट में लिखना है। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कंपनी के करंट असेट्स 2000 है और करंट लायबिलिटी 1000 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2:1। टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज प्योर फॉर्म। अच्छा, नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा करंट असेट्स है 3000 और करंट लायबिलिटी है 2000, तो आंसर को 0 कट करके 3:2 नहीं लिखना। ये रॉन्ग वे है राइटिंग ऑफ आंसर। अपना कैलसी उठाना और अपने कैलसी में लो 3000 डिवाइड बाई 2000। मेरा आंसर आ रहा है 1.5, सो इट इज़ 1.5:1। सो इज़ टू 1 के फॉर्मेट में लिखना है। दिस इज बेसिकली रिफर्ड टू एज प्योर रेशियो, इज़ टू 1 का फॉर्मेट में। सो बिकॉज जब भी हम कंपेयर करेंगे ना, तो इज़ टू 1 से कंपेयर कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नाउ यू कैन कंपेयर 2:1 वर्सेस 3:1। हम कंपेयर करना ईजी हो जाएगा। बट यू कैनॉट कंपेयर 3:2, 5:3। यू कैनॉट कंपेयर दिस। कंपेरिजन ही नहीं हो पाएगा जब तक हम बेस को कॉन्स्टेंट नहीं करेंगे। ठीक है। और इंटरप्रिटेशन क्या है? अब सुनो आराम से। करंट रेशियो, पहले फॉर्मूला बोलो, फिर मैं थोड़ा डीप में लेके जाता हूँ। व्हाट्स अ करंट रेशियो का फॉर्मूला? मेरे सारे स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज में एकदम स्मार्ट होने चाहिए, एंड वी नीड टू हैव दैट फॉर्मूलाज ऑन द बैक ऑफ द माइंड ऑल द टाइम। करंट रेशियो का फॉर्मूला बताइए। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू -1। नाउ फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मेरा आंसर आता है 3:1, मतलब क्या हुआ पता है? कि मेरे कंपनी में 3 करंट असेट्स है और मेरे कंपनी में 1 करंट लायबिलिटी है। 3 न्यूमरेटर, 3 करंट असेट्स है और 1 करंट लायबिलिटी। दैट इज एन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, टू गुड। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे पास 3 असेट है और 1 लायबिलिटी? ये हमारा लिक्विडिटी इंटरप्रेट करता है। ये हमारा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंटरप्रेट करता है। शॉर्ट टर्म कैसे सर? बेटा करंट असेट्स का मतलब क्या है? करंट असेट्स का मतलब है ऑल असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर। 1 साल में हम जिसे कैश में कन्वर्ट कर दे उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। करंट लायबिलिटी का मतलब है कि हमें जो पे करना है विद इन 1 ईयर। तो इस साल ये कंपनी है, कितना पैसा आने वाला है? 3। कितना पैसा जाने वाला है? 1। तो हमारे पास 2 का सरप्लस बैकेज है। प्रॉफिट नहीं है। ये पैसे की बात कर रहे हो, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंसी। कितना आने वाला है? 3। कितना जाने वाला है? 1। सो गाइस, नाउ कंटिन्यू राइटिंग। फॉर्मूला क्या था करंट रेशियो का? current assets upon current liability is equal to dash is to 1. नेक्स्ट लाइन पे लिखिए आप इंटरप्रिटेशन कि ये रेशियो हमें क्या सिखाता है. इट प्रोवाइड्स, पॉइंट नंबर 1, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी और एंटिटी. पॉइंट नंबर 2, गाइस अब एनालिसिस क्या कर रहे हैं सर, व्हाट इज द एनालिसिस दैट यू आर डूइंग, कितना होना चाहिए. तो गाइस बहुत रिसर्च वर्क किया है, बहुत कंपनियों की पोजीशन देखी गई है और ये पाया गया है कि स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए. स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 होना चाहिए. दैट मीन्स दिस इज द एंटिटी. सर कोई अपने को बोले आज कितना रुपया आने वाला है, बेटा आज 2 रुपया आने वाला है. सर आज कितना रुपया जाने वाला है, 1 रुपया जाने वाला है, और आज नहीं 1 साल के अंदर. सो वी आर गोइंग टू रिसीव 2 एंड वी आर गोइंग टू पे 1. सो माई करंट रेशियो इज 2:1. दैट इज 2 रुपीज रिसीवेबल, 1 रुपीज पेबल. दिस इज स्टैंडर्ड. एंड गाइस व्हेन आई से स्टैंडर्ड करंट रेशियो ना, इट्स द बेस्ट रेशियो. बेस्ट 2:1 से कोई भी रेशियो अच्छा हो ही नहीं सकता. दैट्स द एनालिसिस. पक्का, टू गुड. सर कैसे बता रहे हो आप. अब देखो मेरी बातें सुनो आप. मैं आपको 3 रेशियोज दे रहा हूं. पहला रेशियो मैं आपको दे रहा हूं 2:1, फिर मैं आपको रेशियो दे रहा हूं 3:1, फिर मैं आपको रेशियो दे रहा हूं 1:1. ये 2:1 अच्छा है कि 3:1 अच्छा है कि 1:1 अच्छा है. चलो पोल ए बी सी, व्हाट इज बेटर. 2:1 इज बेटर, 3:1 is better, or 1:1 is better. What is better? I want to know the answer from you. What is better? 2:1 अच्छा है, 3:1 अच्छा है कि 1:1 अच्छा है, क्या अच्छा है आप बताइए मुझे. मैं थोड़े नोट्स देखूंगा आपके. चलो I will be waiting for the answer. Guys 2:1 सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है. अब आप लोग कंफ्यूज होंगे सर 2:1 3:1 से कैसे अच्छा हुआ. 3:1 का मतलब है कितना पैसा आने वाला है 3, कितना पैसा जाने वाला है 1. गाइस दिस इज नॉट बेटर देन 2:1, नॉट बेटर देन 2:1. सर क्यों, 3 रुपया आने वाला है तो ये ज्यादा अच्छा होगा ना. बट बेटा 3 रुपया आने वाला है उसका मतलब ये है कि हम लोग ना अपना कैश पोजिशन कुछ ज्यादा ही सेव करके रख रहे हैं, हम ज्यादा कैश लेके कैरी कर रहे हैं. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है. दिस एग्जाम्पल इज बिटवीन मी और गाइज एक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है जिसका नाम है राजेश सर. तो ये है RM सर और ये है हमारे राजेश सर की जगह पे हम यहाँ पे डाल देते तुली सर. ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है. सो गाइज RM सर मतलब मैं, मेरे पॉकेट में कभी पैसे नहीं होते. तुली सर के पॉकेट में एवरी टाइम 5,000 रुपये पड़े होते हैं, एवरी टाइम. सही है. एक बार मैं तुली सर से मिला था तो तुली सर बोलते चल राहुल लंच करके आते हैं. मतलब चलिए सर लंच करके आते हैं. सो वी वेंट, लंच कर लिया. अब मेरे पास तो पैसे नहीं है, पैसे कौन भरेगा. तुली सर देखो फायदा है कि नहीं, पैसे कैरी मत करो, क्या कहते हो, कौन पेमेंट करेगा. तुली सर ने पेमेंट कर दी, अपने तो बच गए भाई, है ना. चलो भाई ये तो जोक था, अभी एग्जैक्टली क्लियर, बट रियलिटी में आपको बताता हूँ. अब मैं कैश कैरी नहीं करता हूँ बिकॉज आई एम द पर्सन हु बिलीव्स इन डिजिटल पेमेंट्स एंड यू नो UPI पेमेंट्स. आई डोंट लाइक कैरिंग कैश. मैं अपना कैश कहाँ रखता हूँ पता है, बैंक में. गाइज अगर कैश बैंक में है तो इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. और तुली सर जो 5,000 रुपये लेके कैश घूम रहे हैं, तो गाइज कैश लेके घूम रहे, क्या वो बढ़ेगा. मैं आपको आज एक चैलेंज देता हूँ. आप ना अपने डैड से 5,000 रुपये लो और एक ड्रॉवर में जाके लॉक कर दो और 1 साल के बाद वो ड्रॉवर खोलना, देखना कितने पैसे मिलेंगे वहां से. 5,000 ही मिलेंगे भाई, झाड़ नहीं लगा होगा, बढ़ा नहीं होगा. पर यही 5,000 रुपये अगर हमने बैंक में रखे होते ना भाई, तो 5 नहीं 6 मिला होता, 5.5 तो मिला होता, कुछ तो इंटरेस्ट मिला होता. तो जब इंडस्ट्री कहती है, जब पीपल कहते हैं कि भाई एक करंट लायबिलिटी के लिए 2 करंट असेट्स ठीक है, मतलब अगर हमें एक पे करना है तो हमारे पास दो आने वाला है तो ठीक है, तो तीन आने वाला ना, उसका मतलब हमारा कैश आइडियल है। हमें करंट असेट्स कम करने चाहिए, हमें करंट असेट्स का पैसा ऊपर लगाना चाहिए फिक्स्ड असेट्स में, देन इट बिकम्स रेगुलर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? टेल मी येस और नो। समझा कि करंट असेट्स टू करंट लायबिलिटी 2:1 को हम बेस्ट क्यों कहते हैं? गॉट इट? हाँ, बट सामने गाइस 1:1 इज अ बैड रेशियो, बिकॉज अगर ₹1 आने वाला और ₹1 जाने वाला और किसी दिन वो ₹1 आया नहीं और क्रेडिटर आ गया हमारे पास पैसे लेने के लिए, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। उसको देंगे कहां से? सो गाइस इसीलिए करंट रेशियो का स्टैंडर्ड बनाया गया है 2:1। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सो पॉइंट नंबर 3 जो मुझे चाहिए कि तुम लोग याद रखो करंट रेशियो में, ये पॉइंट है कि गाइस एनी रेशियो अबाउट 2:1 इज गुड। ब्रैकेट में लिखना बट नॉट बेटर देन 2:1। पॉइंट नंबर 4, एनी रेशियो लेस देन 2:1 is not good. Will you all remember these 4 points? Will you all remember these 4 points? Tell me yes or no. याद रहेगा आपको ये चारों पॉइंट। करंट रेशियो फॉर्मूला, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू डैश इज टू वन, 2:1, 3:1, 4:1, is to 1 में ही लिखना है। सर करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता है? बेटा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी इंडिकेट करता है। बढ़िया। स्टैंडर्ड करंट रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 है। Any ratio above 2:1 is good, but not better than 2:1. Any ratio less than 2:1 is not good. Is not good. Clear? Too good. Lovely. Fantastic. चलिए next one. Current ratio. Textbook पे जाते हैं और textbook पे question number 1 हो चुका है। What are ratios? Ratios का classification. Current ratio. का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इंटरप्रिटेशन, द जनरली एक्सेप्टेबल करंट रेशियो इज 2:1, बट वेदर और नॉट स्पेसिफिक रेशियो इज सैटिस्फैक्टरी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। स्टैंडर्ड 2:1 बोला, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेशियोज हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेडी हो? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, मेरे को ये बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 2, मैं फाइल खोल रहा हूँ अपने पैड पे भी ताकि मैं आपके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। क्या कहते हो भाई? और बताओ गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट तो लिख के जाना लास्ट में, ठीक है? आई यू दैट यू आर लाइक लविंग दिस। थोड़ा बहुत कुछ मेरे को मोटिवेशन मिले तुम्हारे लेक्चर्स लेने का। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2, लीना लिमिटेड की बात कर रहे हैं। लीना लिमिटेड भाई है, शी इज माय सिस्टर एंड शी इज अ गुड सिस्टर, ठीक है? बैलेंस शीट ऑफ लीना लिमिटेड एज ऑन 31st मार्च 2022। बैलेंस शीट तो पूरा दिया ही नहीं है, फालतू में बैलेंस शीट लिखा है। बहुत अच्छे लोग हैं गाइस। करंट असेट्स में स्टॉक, डेटा, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब है लाइक अ शॉर्ट टर्म। एंड गाइस करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है उन्होंने क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस एडवांस टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। टोटल इज 500, 15,000, 10,000। गाइस करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी का टोटल करके दे दिया। थैंक यू बोलो क्वेश्चन को, थैंक यू बोलो क्वेश्चन को। एंड दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। एंड व्हाट इज माई क्वेश्चन नंबर 2 टेलिंग मी इज दैट करंट रेशियो निकालना है तो करंट रेशियो का पहले फॉर्मूला करोगे is equal to current assets upon current liability. So current assets upon current liability, I am getting an answer of 15,000 divided by 10,000 is equal to 1.5 is to 1. Guys, this ratio is below the standard ratio. Apna standard ratio क्या होना चाहिए? अपना स्टैंडर्ड रेशियो होना चाहिए 2:1, बट ये 2:1 से कम है तो भाई थोड़ा रेशियो सुधारना पड़ेगा अपने को, ठीक है? क्या कहते हो? डू यू अग्री विद दिस वन? चलिए वंडरफुल। सत्यम सर क्लासेस रहेगी रेगुलर, क्यों सत्यम क्लासेस रेगुलर क्यों नहीं रहेगी बेटा? द क्लासेस विल बी कंडक्टेड एवरी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 5:30 to 6:30 एकदम जकास फॉर्मेट में। एंड आई होप यू ऑल आर अटेंडिंग गोइंग टू अटेंड लाइव। चलो दिस इज माई करंट रेशियो 1.5:1। कैन आई गो अहेड? चलो this is current ratio done. I am going to next ratio guys, A2. What is A2 now? A2 is quick ratio guys, इसका एक और नाम है, बहुत अच्छा नाम है, it is also known as acid test ratio. पहला कौन सा ratio? quick ratio. दूसरा कौन सा ratio? acid test ratio. ठीक है, टू गुड, वंडरफुल, जकास। चलो सब लोग जकास लिख दो एक बार। सो वन इज करंट रेशियो, सेकेंड वन इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। नाउ व्हाट्स अ फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो? सो गाइज माई फॉर्मूला फॉर क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसिड्स। सर ये क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हम। होता है बेटा, 2 मिनट रुक जाओ, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसका फॉर्मेट भी लिखना है प्योर फॉर्म में, दैट इज डैश इज टू 1 में ही लिखना है। फिर से मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे क्विक असेट्स 100 और क्विक लायबिलिटी 100 है तो 1:1 हो जाएगा। हमारा क्विक असेट्स 150 और क्विक लायबिलिटी दैट इज करंट लायबिलिटी 100 है तो 1.5:1 हो जाएगा। अगर ये 300,000 डिवाइड बाई 2,000 है तो 3:2 नहीं लिखना है, 3,000 डिवाइड बाई 2,000 कैलसी में 1.5:1 लिखना है। डू यू रिमेंबर दिस नाउ? टू गुड। चलिए सर, तो अब आप पहले ये बताइए कि क्विक असेट्स क्या होता है, क्विक असेट्स क्या होता है? तो फॉर्मूला के नीचे आप लिखेंगे क्विक रेशियो और क्विक रेशियो के नीचे लिखेंगे आप कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि व्हाट इज इट मेड अप ऑफ। कंपोनेंट्स किससे बना हुआ है? सो गाइस कंपोनेंट नंबर 1 इज क्विक असेट। क्विक असेट का मतलब क्या है? असेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड, व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 3 months। अब एक साल का पीरियड भी नहीं है भाई, एक साल का पीरियड भी नहीं है। करंट असेट्स आर ऑल दोज असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 year, दैट इज करंट असेट्स। एंड असेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 year, एक साल में जो असेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर दे उसे करंट असेट्स कहते हैं। बट व्हाट आर क्विक असेट्स? असेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन 3 months, जिसे 3 months में हम लोग कन्वर्ट करें उसे हम क्विक असेट्स कहते हैं। सर कौन से असेट्स है? बेटा करंट असेट्स में से क्विक असेट्स का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं आपको। क्विक असेट्स इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड। स्टॉक और प्रीपेड निकाल दो तो हमें क्विक असेट्स मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब लिखना नहीं। नाउ गाइस मैं बोल रहा हूं कि करंट असेट्स में हमारे पास है स्टॉक, करंट असेट्स में हमारे पास है डेटर्स, करंट असेट में हमारे पास है बिल्स रिसीवेबल, करंट असेट्स में हमारे पास है कैश, करंट असेट में हमारे पास है बैंक, करंट असेट्स में हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, क्विक वन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली। क्या कैश को कैश में कन्वर्ट? हाँ रे सर मजाक कर रहे हो। क्या बैंक से कैश निकाल सकते हो? हाँ सर। क्या डेटर से 3 महीने में पैसा आ जाएगा? हाँ सर। क्या बिल्स रिसीवेबल से 3 महीने में पैसा आ जाएगा? हाँ सर। क्या स्टॉक 3 महीने में बिक जाएगा? गारंटी है नहीं। अगर स्टॉक का 3 महीने में बिकना गारंटी हो जाए ना तो फिर मैं और आप ये क्लास में क्या कर रहे हैं? व्हाई शुड वी स्पेंड एन आवर एवरी टाइम ऑन एफएम? हम लोग जाते कुछ बनाते बेच देंगे। नहीं, स्टॉक कैश में कन्वर्ट नहीं होगा 3 महीने में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पहले से पे कर दिए, क्या पैसा आएगा वापस? नहीं, पैसा नहीं आएगा वापस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश। तो करंट असेट्स में से स्टॉक निकाल दो, करंट असेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस निकाल दो तो आपको मिल जाएंगे क्विक असेट्स। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप? आर यू कैचिंग दिस अप? सो क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड, तो क्विक असेट्स हो गया। और डिनोमिनेटर पे तो हमें क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी, वो तो आपको पता ही है। आंसर कैसे आएगा, डैशेस टू वन में आएगा। इंटरप्रिटेशन क्या है सर, इसका इंटरप्रिटेशन बताइए क्या देगा ये रेशियो, इंटरप्रिटेशन ये क्या देगा, ये रेशियो देगा हमें इमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। वहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन था, यहाँ पे इमीडिएट सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। इमीडिएट सॉल्वेंसी बोल दो, लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी बोल दो, ऑफ एंटिटी। करंट रेशियो क्या इंडिकेट करता था, शॉर्ट टर्म, इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। क्विक रेशियो क्या प्रोवाइड करता है, इमीडिएट सॉल्वेंसी। सर शॉर्ट टर्म और इमीडिएट को डिफाइन करो। शॉर्ट टर्म मीन्स एनीथिंग विद इन 1 ईयर, इमीडिएट मीन्स एनीथिंग बिटवीन टुडे एंड 3 months. That is known as immediate solvency. Tell me, are you clear with that one? Too good, Jakas. Next one, point number 2. This is known as immediate solvency or liquidity of the company. Next one is standard quick ratio. Standard quick ratio. क्या है सर? आप बताइए. बहुत eager है हम लोग. Standard quick ratio 1:1. आज 1 रुपया आना चाहिए, 1 रुपया जाना चाहिए. That's business. Business में ideal cash नहीं होना चाहिए. रोलिंग होना चाहिए, रोलिंग चलना चाहिए, तो बिजनेस होगा ना। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, पैसा आएगा, पैसा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय वाला है, चाय बना रहा है, तो गाइस चाय बनाया, बिक गया। वो ही पैसे से वापस दूध लेके आया, चाय बनाया, बिक गया। दूध लेके आया, चाय बनाया, बिक गया। वही तो प्रॉफिट होगा। 1 दिन चाय बनाया, बेचा, 2 दिन आराम से सो रहा है, फिर तीसरे दिन वापस चाय का दूध लेके आएगा, ऐसे थोड़ी होगा। रोलिंग होना चाहिए। That's how business grows. So what is standard quick ratio? Standard quick ratio is 1:1. What was standard current ratio? 2:1. What is standard quick ratio? 1:1. Next one, point number 3. Point number 3. क्या है? Any ratio above 1:1 is good, but bracket में not better than 1:1. स्टैंडर्ड बोला है 1:1, तो 1:1 रखना है ना, वरना आइडियल कैश होगा। आइडियल कैश बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, रोलिंग होना चाहिए। मेरी बातें सुनो आप लोग। एंड नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4 इज एनी रेशियो बिलो 1:1 इज नॉट गुड। टेल मी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आधे घंटे का लेक्चर हम लोग ने कंटिन्यू कर लिया, एंड यू हैव टू टेल मी जकास के आपको दोनों रेशियो समझ गए। फॉर्मूलाज, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो, व्हाट डज करंट रेशियो इंडिकेट, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। व्हाट डज क्विक रेशियो इंडिकेट, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जकास क्लियर? टू गुड। चलिए गाइस, एक क्वेश्चन तो होगा ही होगा अपने क्विक रेशियो पे। क्विक रेशियो पे फॉर्मूलास, चलो कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कैश इन हैंड 20,000, डेटर्स 8,000, क्रेडिटर्स 5,000, बिल्स रिसीवेबल 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, बैंक ओडी 9,000, बिल्स पेबल 7,000, स्टॉक 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। दैट्स इट, डन। फिर से एक बार काम करते हैं। कैलकुलेट द क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है, क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल टू आंसर ढूंढ लेंगे। बट पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्विक असेट्स। कैसे निकालते हैं क्विक असेट्स? क्विक असेट्स निकालते हैं करंट असेट्स में से हम लोग स्टॉक और प्रीपेड को आउट कर दे, तो करंट असेट्स लेने हैं पहले। तो करंट असेट्स में क्या क्या आएगा, कैश करंट असेट है कि नहीं भाई, तुम बताओ। कैश इज करंट असेट, यस सर। कैश 20,000, डेटर्स आर करंट असेट 8,000, क्रेडिटर्स आर नॉट करंट असेट, बिल्स रिसीवेबल आर करंट असेट्स 4,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी बैंक ओडी तो करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल भी करंट लायबिलिटी है, स्टॉक 2,000, प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000। गाइस स्टॉक और प्रीपेड इंश्योरेंस करंट असेट्स है, भूलना नहीं। कैश लेना है, डेटर्स लेना है 28, 32, 32 plus 2 is 34 plus 4 is 38. करंट असेट्स का टोटल आ गया 38,000 माइनस स्टॉक कर देते हैं तो स्टॉक इज 2,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हटा देना है तो 2 plus 4 6, 38 माइनस 6 इज 32,000 इज क्विक असेट्स। गाइस सेकेंड हमें लेना है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है हमारे पास सर? करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स है 5,000 के, प्लस हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4,000, प्लस बैंक ओडी में हमारे पास है आंसर 9,000, बिल्स पेबल में हमारे पास है 7,000। सो गाइस 25,000 बन रही है मेरी करंट लायबिलिटी। तो करंट असेट्स आर 32,000, करंट लायबिलिटी इज 25,000। कैलकुलेटर निकालिए, 32,000 डिवाइड बाई 25,000। आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1.28:1। टेल मी, एम आई क्लियर विद दिस वन? 1.28:1 जगास पक्का? टू गुड, ग्रेट। गाइस दिस इज फैंटास्टिक इनफ, मजा आ रहा है। करंट रेशियो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ना एक बहुत फनी सा डाउट आया था, वो डाउट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि गाइस किसी ने पूछा सर लायबिलिटी में क्विक लायबिलिटी नहीं होता है क्या? गाइस सारी ही करंट लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी है, सारे ही करंट लायबिलिटी। गाइस लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बैंक ओडी, बिल्स पेबल, दे आर क्विक लायबिलिटीज। टेंशन है जल्दी भर दो भाई, ठीक है? एकदम बढ़िया, पक्का ना? टू गुड, वंडरफुल। सो गाइस द आंसर इज 1.28:1। इज द आंसर गुड और बैड? क्या कहते हो? इज दिस रेशियो गुड? हाँ सर, दिस रेशियो इज गुड बट नॉट बेटर देन 1:1। हाँ सर, टू गुड। चलिए, करंट रेशियो current assets upon current liability, quick ratio quick assets upon current liability. Can I go to third ratio? जाऊं कि नहीं जाऊं? बोलो, परमिशन है तुम्हारी थर्ड रेशियो पे जाने की? हाँ सर परमिशन है, जाओ, दे दी परमिशन आपको। सो A3 कौन सा रेशियो? कैश रेशियो, और इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रेशियो। गाइस कैश रेशियो और इट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। गाइस ये तो आज से 3 महीने के पोजीशन की भी बात नहीं चल रही है भाई, ये तो सर चल रही है आज के पोजीशन की बात, टुडे आज के पोजीशन की बात चल रही है। एंड आई होप यू ऑल आर राइटिंग दिस। प्लीज, आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दिस वन? टू गुड, यस मेहुल। अब बैच कंटिन्यू रहेगा टिल एंड। जकास, लवली। और मुझे तुम लोग सबसे एक चीज है कि आपको कभी भी कोई डाउट्स आए ना, तो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए तो इसके कमेंट बॉक्स में डाउट्स डाल देना, मैं वो डाउट्स को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिया करूंगा। क्लियर? जकास बोलो। चलिए, कैश रेशियो। सो फॉर्मूला क्या है गाइस? फॉर्मूला ऑफ कैश रेशियो है कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी। मतलब सिर्फ कैश चाहिए, एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड और एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश टुडे, अब भी अगर हम उसे कन्वर्ट कर सके तो क्या आना चाहिए फॉर्मूला में? फॉर्मूला में आना चाहिए कैश, प्लस फॉर्मूला में आना चाहिए बैंक, प्लस फॉर्मूला में आना चाहिए मार्केटेबल सिक्योरिटी। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, सिर्फ 3 चीजें। यहाँ पे मुझे डेटर्स भी नहीं चाहिए, मुझे बिल्स रिसीवेबल भी नहीं चाहिए, बिकॉज डेटर्स को कन्वर्ट करने में शायद 2 महीने लग जाए, बिल्स रिसीवेबल को कन्वर्ट करने में 2 महीने लग जाए। दे ऑल आर करंट असेट्स बट दे आर नॉट कैश। कैश रेशियो, एब्सोल्यूट, आज का पोजीशन। दिस इज नॉट एन इमीडिएट फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज करंट, टुडेज फाइनेंशियल पोजीशन। डिवाइडेड बाय व्हाट गाइज? डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। न्यूमरेटर बदलते जा रहा है, न्यूमरेटर बदलते जा रहा है, डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा है, डिनोमिनेटर नहीं बदल रहा है। सो भाई ठीक है ना? चलो, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, 1 2, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? आंसर कैसे लिखना है? आंसर इज 2:1 लिखना है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन क्या इंडिकेट करता है? ये स्टैंडर्ड, दिस रेशियो इंडिकेट्स इमीडिएट सॉल्वेंसी, भी नहीं बोलूंगा मैं, बोलूंगा इमीडिएट कैश लिक्विडिटी, इमीडिएट सॉल्वेंसी भी नहीं आ रहा है, दिस इज इमीडिएट कैश लिक्विडिटी। ये तीन रेशियो में डिफरेंस है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इंडिकेट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, क्विक रेशियो इंडिकेट्स इमीडिएट सॉल्वेंसी, कैश रेशियो इंडिकेट्स इमीडिएट कैश लिक्विडिटी, कैश। ठीक है, देयर आर नो स्टैंडर्ड्स, देयर आर नो स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आइडियली इट शुड बी 1:1, स्टैंडर्ड नहीं है, आइडियली 1:1 होना चाहिए। ये रेशियो है ना, क्विक रेशियो की जितना फेमस नहीं है, बहुत रेयरली ये रेशियो एग्जामिनेशन में भी पूछा जाएगा और मार्केट में भी प्रैक्टिकली ये रेशियो बहुत ही कम टाइम यूज होता है। ठीक है, बट फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला की तो एक टेस्ट होने वाली है आपकी भाई। करंट रेशियो दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कैश रेशियो इज कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट? टू गुड। चलिए गाइस, फोर्थ वन A4, इसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं बनाया। मैंने कहा ना प्रैक्टिकली ये रेशियो बहुत ही कम यूज होता है, बट फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है इसीलिए पढ़ा लेता हूँ, तो इसीलिए हम लोग इसे क्वेश्चन पे नहीं डाला अभी तक मैंने। फोर्थ वन इज नोन एज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। Now what is basic defense interval ratio? This is 1:1:1:1:1:1 basic defense interval ratio. Now what is it? क्या है क्या सर ये? Guys this is like कि आप assume कीजिए कि आज से अपना sales बंद हो जाए तो हम कितने time तक survive कर पाएंगे, इसीलिए इसे कहा basic defense interval. You know it's like वॉर पे लड़े पड़े हैं और गवर्नमेंट ने कह दिया भाई अभी हमारे पास ज़्यादा गन्स एंड एम्यूनेशंस नहीं है, तो कितने दिन तक हम चला पाएंगे। वहाँ से आर्मी की फायरिंग आई जा रही है और हम यहाँ पे डटे पड़े हुए हैं। मेरे को यहाँ पे एक मूवी याद आता है, बहुत बढ़िया सा मूवी याद आता है। कौन सा मूवी पता है? बॉर्डर शायद। यू नो दे अटैक्ड अस, पाकिस्तान ने अटैक किया था हम पे। हम है ना एकदम ऐसे बॉर्डर पे खड़े थे, पर हमें फाइटर प्लेन की सर्विसेज भी नहीं मिल रही थी बिकॉज रात हो गई थी और वहाँ से और सब आर्मी की सप्लाई भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे अपने वो 200-150 लोग अपना सनी देओल यू नो यार लाइक 2.5 किलो का हाथ लेके बैठ गया था उधर, मैं नहीं लेगा इधर से। अभी एग्जैक्टली क्लियर, दैट वाज नोन एज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो। जा रहा दिमाग के अंदर, व्हाट इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो, है ना? टू गुड, बॉर्डर, हाँ बस, परफेक्ट। सो गाइस देखो बेसिक डिफेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या है। बेसिक डिफेंस इंटरवल का फॉर्मूला है कैश प्लस रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, और कैश में बैंक भी आ जाएगा। हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, और फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए गाइस? फॉर्मूला में मुझे चाहिए कैश, प्लस फॉर्मूला में मुझे चाहिए बैंक, प्लस फॉर्मूला में मुझे चाहिए रिसीवेबल्स। रिसीवेबल मतलब है ना डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाएंगे, तो रिसीवेबल के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी भी चाहिए। आज से सेल्स बंद हो जाए तो क्या होगा? मतलब आज तक जो सेल्स हो गया उसका पैसा तो डेटर से लेंगे ना। कैश है, बैंक है, डेटर से पैसा आ रहा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आ रहा है। कल से गवर्नमेंट ने बोल दिया राहुल बिजनेस नहीं करना है, कोविड आ गया बंद है सब। अरे भाई कोविड आ गया बंद है सब, बट डेटर से तो पैसा आएगा ना जो आना है वो। तो अपने को कैश लेना है, बैंक लेना है, मार्केटेबल सिक्योरिटी लेनी है और रिसीवेबल भी लेना है इस टाइम न्यूमरेटर में। सो ये सारे पैसे आने वाले हैं डिवाइडेड, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है। हैंड राइटिंग मेरी खतरनाक होती जाती है जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता है। एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही था, यू नो, कभी भी ऐसे लिखता था ना स्टार्टिंग में एकदम झकास हैंड राइटिंग, जैसे जैसे एग्जामिनेशन का लास्ट आर आता जाएगा ना आगे भाई अपनी लेवल पे। सो कैश, बैंक, रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी, guys, divided by operating expenses, total operating expenses of the year divided by 365. That means actually I want operating expenses per day. तो यहाँ पे मैं formula में देखो क्या लिख रहा हूँ कि I want to divide it by operating expenses per day. ठीक है, चकास है, देखो अपना भी है ना बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो आ गया. ऐसे मैम आ गई तो अभी देखते कितने टाइम तक हम अड़े पड़े रहते से हिलेंगे नहीं. क्या कहते हो? बढ़िया, ठीक है. फॉर्मूला क्या है बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का? बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो का फॉर्मूला है कि सर अगर आज से हम बिजनेस नहीं करें तो हम कितने दिन तक टिक पाएंगे. तो इट इज कैश, बैंक, रिसीवेबल मतलब डेटर और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे. एकदम क्लियर, टू गुड. सर व्हाट डज इट इंडिकेट, या उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? चलो यहाँ पे लिखो आप इंटरप्रिटेशन. चलिए मैम आगे कि नहीं, ऐसे दर्शन तो करा दो थोड़े, कहाँ चुप जाते हो तुम. कैसे हो मैम? एकदम बराबर, लाइफ मजा माँ. ओके चलो guys, what does this ratio indicate? What does this ratio indicate? If for some reason all the company's revenue were to suddenly cease, the basic difference interval ratio would help to determine the number of days for which a company can cover the cash expenses without aid of additional financing. So interpretation is, if company's revenue मतलब sales are to cease, सीज का मतलब होता है स्टॉप. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? हाँ दीक्षा, फोकस, बस तेरे को यही याद रहेगा सर का फोकस. इफ द कंपनीज रेवेन्यू आर टू सीज स्टॉप, दिस रेशियो विल इन्फॉर्म अस और विल टेल अस एज टू फॉर how many days company can provide for cash expenses without additional finance from outside or without additional help from outside. Are we exactly clear with that one? सनी देवल बॉर्डर पे कितने दिनों तक टिका रहेगा अगर कोई भी सपोर्ट नहीं आएगा और वहां से भले ही आ जाए अटैक. दैट इज नोन एज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास 50,000 रुपये का कैश है, कंपनी के पास 50,000 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं, कंपनी के रिसीवेबल है 2 लाख रुपए, कंपनी का मार्केटेबल सिक्योरिटीज है 50,000 रुपये और हमारा रोज का खर्चा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इज गाइस 25,000, नहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा. रोज का हमारा खर्चा है लेट्स से 2,500 रुपये, रोज़ 2,500 रुपये का खर्चा होता है. सो गाइज 50,000 + 50,000 + 2 लाख + 50,000 डिवाइडेड बाई 2,500 करेंगे तो गाइज आंसर आ रहा है 140 डेज. ये मैं लिखना भूल गया कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो डेज में आएगा, वो इस टू वन में नहीं आएगा. करंट रेशियो इस टू वन में लिखना था, क्विक रेशियो इस टू वन में लिखना था, कैश रेशियो इस टू वन में लिखना था, पर बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो नंबर ऑफ डेज में लिखना था. चकास है? 140 डेज तक हम जिंदा रहेंगे और तब तक तो हम किसी को ढूंढ नहीं लेंगे, तब तक तो ना जैकी श्रॉफ आ जाएगा सुबह को प्लेन लेके. क्या कहते हो तुम लोग? बढ़िया, इट्स लाइक बिडू है तू मेरा, है ना. उत्कर्ष मेरे को याद करवाता रहता है ये. चलो लवली गाइज, एक बार जगास बोलना तुम लोग, सब जगास बोलना. दिस इज बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. सो वी आर डन विद करंट रेशियो, वी आर डन विद क्विक रेशियो, वी आर डन विद कैश रेशियो, वी आर डन विद बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो. लवली, टू गुड गाइज. क्वेश्चन है नहीं होगा, सो हम लोग जाते हैं A5 पे. एंड व्हाट इज A5 नाउ इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल. सबसे सिंपल रेशियो, एक्चुअली रेशियो नहीं है, मैं रेशियो क्यों लिख रहा हूँ, नेट वर्किंग कैपिटल. सबसे सिंपल चीज़ पूरे चैप्टर की इज़ नेट वर्किंग कैपिटल. सिखा चुका हूँ, वापस सिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या कहते हो? सो गाइस, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, दैट इज फॉर्मूला, दैट इज वर्किंग कैपिटल is equal to current assets minus current liability. आंसर कैसे आएगा? आंसर अमाउंट में आएगा, रुपीज में आएगा। सर ये क्यों निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल क्यों निकालना जरूरी होता है? अरे भाई, वर्किंग कैपिटल निकालना क्यों जरूरी होता है? इंटरप्रिटेशन क्या है वर्किंग कैपिटल की? इट इंडिकेट्स अमाउंट needed to run day-to-day operations of company. Day-to-day operations of company मतलब रोज का रोज बिजनेस चलाने के लिए हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। सो इट इंडिकेट्स द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी एंड दैट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टेल मी, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? Too good. Guys, कोई स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल हो सकता है क्या? सर पूरे दिन में इतना चाहिए होगा, नहीं हो सकता है भाई, कहाँ से हो सकता है? अब फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉलेज में थे तो मेरे डैड मुझे एक महीने में 500 रुपये देते थे, दैट वॉज माई वर्किंग कैपिटल। मेरा एक फ्रेंड था, गाइस, वालकेश्वर में रहता था, बंगलो था, उसके डैड उसे 5,000 रुपये देते थे, वो उसका वर्किंग कैपिटल था। मुझे 500 रुपये कम लगते थे, उसको 5,000 रुपये भी कम लगते थे। इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस। शॉपर स्टॉप, बांद्रा लिंक रोड, दोनों का वर्किंग कैपिटल अलग होगा। चाय वाला जो रास्ते में कटिंग चाय बेचता है और ताज जो अपने रेस्टोरेंट में चाय बेचता है, दोनों का वर्किंग कैपिटल अलग होगा। बिजनेस भी तो यू नो काइंड ऑफ अफेक्ट करता है वर्किंग कैपिटल को। यस और नो, टेल मी यस और नो। यस सर, टू गुड। दिस इज A5, नेट वर्किंग कैपिटल। चलो ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, कैश रेशियो का फॉर्मूला कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। बेसिक डिफरेंस इंटरवल रेशियो इज कैश बैंक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस रिसीवेबल डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। And finally, fifth one is net working capital, that is current assets minus current liability. Wow, sir, मज़ा आ रहा है। I hope आप सबको मज़ा आ रहा हो। A6, आज का लास्ट रेशियो, आज का लास्ट पक्का। I know तुम लोग अभी थोड़ा थक गए होंगे, पर आज का लास्ट is stock to working capital ratio. Stock to working capital ratio, stock to working capital ratio, stock to working capital ratio. Tell me, are you catching this up well? Yes. Sir, क्या है formula stock to working capital का ratio का formula क्या है? Sir, formula है closing stock, stock लेना है, सिर्फ closing stock लेना है जो current assets में होता है, इसको डिवाइड कर देना है वर्किंग कैपिटल से, डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आंसर आएगा। वो परसेंटेज फॉर्म में होगा। रेशियोज को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, सारे रेशियोज को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक अपॉन वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100, यू विल गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। टेल मी, आर यू कैचिंग दिस अप वेल? यस और नो? Jakas, too good. So formula is closing stock upon working capital multiplied by 100. Answer will be in terms of percentage. Sir, ये क्यों important है? बेटा पूरे working capital में stock ना is like lion in a cage. लायन को पिंजरे में कैसे बांध के रखा है वैसा है stock। खुला छोड़ो उसे, stock को market में लेके आओ, बेचो, that's how company will grow. ऐसे पिंजरे में से लायन को निकाल देंगे तो कैसा खतरनाक सा काम होगा, है कि नहीं? Guys, that's how we are going to grow. That's how we are going to catch it up. So that is known as closing stock upon working capital multiplied by 100. Tell me, are you clear with that one? Standard नहीं, कोई standard नहीं होना चाहिए। because it depends upon company to company again. Standard ना सिर्फ पहले दो रेशियो का था, current ratio and quick ratio 2:1 and 1:1, stock to working capital ratio. Question number 4 आ रहा है, but it interprets the proportion of stock to working capital. It indicates the proportion of stock to working capital, full stop. Tell me, did you understand this well? Yes or no? Jagaas. और मैंने क्या लिखा, स्टॉक लिखा, स्टॉक, स्टॉक थोड़ी होता, स्टॉक होता, कुछ भी लिखता हूं मैं कभी कभी. Stock to working capital, it is closing stock upon working capital multiplied by 100. चकास है गाइस, अभी क्लियर. जैसे मैंने कहा था आज का मेन्यू, मैंने कहा था 6 रेशियोज करेंगे और 6 रेशियोज हम लोग ने किए. करंट रेशियो दैट इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. नेक्स्ट वन इज कैश रेशियो दैट इज कैश और बैंक, और नहीं कैश, और नहीं कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो कैश बैंक मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस रिसीवेबल डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे. Next one is working capital that is current assets minus current liability, and next one is stock to working capital is closing stock upon working capital multiplied by 100. Are we exactly clear with that one? Too good, Chakas. Guys, question number 4 मेरे को चाहिए कि आप इसे ट्राई कीजिए. मैं नेक्स्ट लेक्चर ये क्वेश्चन नंबर 4 से चालू करूंगा, बट मजा कब आएगी पता है, जब आपके पास आंसर होंगे. आई वॉन्ट यू ऑल टू कम इन द क्लास विद द आंसर्स. नेक्स्ट क्लास होगा आपका सैटरडे को 5:30 बजे शार्प, 5:30 to 6:30 ऑन सैटरडे. और सैटरडे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज की तरफ चलेंगे. बढ़िया, चकास है, टू गुड. आई लव यू ऑल गाइस, टेक केयर. आज के लिए राहुल मलकान से थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर इन एग्जामिनेशन, आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर.